देश भर में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जिस प्रकार से लॉकडाउन के तर्ज पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बावजूद प्रदेश ही नहीं देश भर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में काफी सख्ती के साथ कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। शहर के कप्तान द्वारा दावा किया गया है कि 30 मई तक कोरोना का नामो निशान मिटा देंगे, क्योंकि उनके ऊपर बैठे सत्ता पर काबिज लोगों ने 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया की घोषणा की है। दरअसल पूरा मामला शिव सिटी और सिलिकॉन सिटी का है, जहां तहसीलदार और एसटीएम की तालिबानी सख्ती देखी जा सकती है। यहां बॉर्डर से भी ज्यादा सख्त रवैया अपना रहे हैं अफसर। जब एक्सपोज हुए चमत्कारिक रूप से कम हो रहे आंकड़ों को जारी कर वह वाही लूटने का प्रयास करने लगे। बिल्कुल 3 साल का हो 2 साल का हो मुझे मतलब ले जाइए। इतनी बहस मत करिए, सुन लिया ना एक बार, चलिए उसके बाद आने नहीं दूंगी 5 दिन तक। ये ध्यान से सुन लो, अच्छी तरह से पहला वीडियो है अंदर रहने वाले रविकांत का, जिनकी पत्नी का इलाज करवाना था। सामने बैठी तहसीलदार मैडम रेखा सचदेवा कहती दिख रही है कि यदि इलाज करवाना है तो फिर 5 दिन बाहर ही रहो, चाहे होटल में रहो या रिश्तेदारों के यहाँ। आपका 2 साल का बच्चा हो या 3 साल का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार चले गए तो 5 दिन तक आने नहीं दूंगी। सर मेरे को एक चीज बताइए, जरा घर अंदर है, मैं ड्यूटीज कर रहा हूँ, मैं अपना आइसोलेट होकर के अपने रूम में रह रहा हूँ। ऐसे ही मैंने 1 साल से ड्यूटीज की हैं, तो अब बताइए अब क्या चाहते हैं मुझसे। तो फिर आप बताइए रुकने का इंतजाम कैसे करवाएंगे आप मेरा बाहर। हाँ एक आम आदमी की बात अलग है, आप एसडीएम हैं, इस चीज को समझते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग करनी है, मैं बीमा हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मैं पिछले 1 साल से कोविड में ड्यूटी दे रहा हूँ अपनी, और आज आप मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं जा सकते यहाँ से। इसका रीजन एक आम आदमी में और एक डॉक्टर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। हम ही पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, और कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना किसको एंट्री देनी थी किसको एंट्री देना थी। दूसरा वीडियो एक नौकरी पेशा डॉक्टर का है, जो रोज प्रैक्टिस करने जाते हैं, वापस आते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। फोन लगाया तो एसडीएम साहब बोले बाहर व्यवस्था कर लो, ज्यादा हो तो कलेक्टर साहब से फोन पर बात कर आदेश लाओ। फोन निकालते। तीसरा वीडियो एक बीमार दंपत्ति का है, और मैडम ने आदेश दिया कि अंदर से गेट पर आओ और यहीं पर ब्लड सैंपल दो। ऐसे कई वीडियो हैं जो प्रशासन की तालिबानी सख्ती का पोल खोल रहे हैं। जब मुद्दा उछला तो अगले ही दिन प्रशासन ने मैनेज करने वाला एक प्रेस नोट जारी कर दिया ताकि विरोध ना हो। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सख्ती ना हो, लेकिन जो लोग सच में बीमार हैं, जिनकी अपनी सही और जायज परेशानी है, उसे तो मानना चाहिए। ड्यूटी पर जाने वाले डॉक्टर को रोकना कहां तक सही है,
गर्भवती महिला को रोकने की इजाजत आखिर कौन जिम्मेदार पदस्थ व्यक्ति है? बीमार का ब्लड सैंपल दरवाजे पर लेने के लिए कौन महान देता है? इस प्रकार की तानाशाही रवैया के कई वीडियो वायरल होने पर ग्राउंड रिपोर्ट पर राजधानी लाइव के संवाददाता ने पहुंचकर तहकीकात की और वहां उपस्थित अधिकारियों और स्थानीय से बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और इस समय इंदौर के सिलिकॉन सिटी गेट पर मौजूद हूँ। जिस प्रकार इंदौर में अलग अलग इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगाकर कोविड की रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है, उसी के तहत सिलिकॉन सिटी भी पूरी तरीके से बंद है। हम उसके गेट पर खड़े हैं, पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और तरीके हर जगह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। किसी को बाहर आने या किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल इमरजेंसी सर्विसेज में ही इंसान बाहर या अंदर आ जा सकता है। प्रशासन चारों ओर से मौजूद है यहाँ पर, नगर निगम की टीमों के साथ वाटर सप्लाई की टीम और कई नगर सेवा सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर केस बढ़ रहे थे, उसके चलते इंदौर में जिस प्रकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया उसी के तहत यहाँ पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और पिछले 23 तारीख से यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जो कि अभी पिछले आगामी 30 तारीख तक यहाँ पर चलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पता नहीं है कि 30 के बाद ये खुलता है या आगे बढ़ता है। यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज, दूध और जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, दूध सब्जी, उसकी कहीं ना कहीं आपूर्ति प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही है। नमस्कार, मेरे साथ अभी आलोक शर्मा जी हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ से हैं। यहाँ पर सिलिकॉन सिटी में उन्हें प्रभार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से आना। मैं आलोक शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि सिलिकॉन सिटी पूरी तरह बंद है विगत 7 दिनों से, यहाँ पर दूध और सब्जी जो रोज़मर्रा की चीज़ें, पानी, दूध, इन सबकी सप्लाई का क्या इंतजाम? प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है पूरी चीज़ों को। कल से सब्जी वब्जी भी पूरी व्यवस्थित एसडीएम साहब ने करवा दिया कि कोई ऑर्डर देता है तो उसके घर तक सब्जी पहुँचाई जाएगी और आज भी पूरा सुचारू रूप से वो सब्जी की व्यवस्था, सब्जी, फल फ्रूट, सब सभी राशन की ऑलरेडी 2 दिन पहले हो ही चुकी है कि जो भी आदमी राशन के लिए जो लोकल बेसिस पे जो रिटेलर हैं, जो अपने किराना व्यापारी हैं, उनको लोग फोन कर दे, वो उनके घर तक पूरी सामग्री पहुंचा रहे हैं। क्या जो अंदर के किराना व्यापारी है, रिटेलर, उनको भी बाहर से जो उनकी जो सामान जैसे खत्म हो जाता होगा बिकॉज 7 दिनों से बंद है, तो क्या उनको भी अनुमति है कि वो बाहर से अपना इसको सप्लाई पूरा कर सकते हैं? हाँ, वो सभी जितने रिटेलर हैं, किराना व्यापारी जो हैं, वो सब क्या है, मिलजुल के पूरी एक बार में अपना ऑर्डर लिखाते हैं और वो गाड़ी एक बार में आती है, सबको देख के फिर चले जाते हैं। आप कहीं पिछले विगत दिनों यहाँ पर वीडियो वायरल हुए कि दूध के लिए रोका जा रहा था, सब्जी के लिए रोका जा रहा था, या रिवाजी सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? अभी मैं पिछले अधिकारियों से और भी बात करा था तो कहते हैं अधिकारी बोल रहे हैं जो रहवासी है वो दिक्कत भी देते हैं, बहस करते हैं, तो किस बातों पर बहस होती है? बहस होती है कि वो क्या है, 2017-2018 की मेडिकल फाइल लेके आ जाते हैं और वो बाहर जाने के लिए इतना जिद करते हैं कि भाई मेरे को डॉक्टर से दिखाना, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं होता है। उस फाइल में देखेंगे तो किसी को माउथ अल्सर है, वो फाइल दिखाते हैं लोग, तो थोड़ी सी है। लेकिन 80% जो सिलिकॉन सिटी, सी सिटी, पुलक सिटी और स्टार सिटी की जनता ने सपोर्ट किया है इसका, 80-90% की, 10% लोग हैं जो खेत ऑफिस भी जाते हैं तो कहीं नाले कुचे से नीचे से निकल के चले जा रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि मैं ऑफिस जाऊंगा तो हमारा अधिकारी हमको, उनके चक्कर में जो दूसरे बेचारे जो सपोर्ट किए हैं, आज जो सिलिकॉन को अच्छा बनाया जा रहा है उनके सपोर्ट से, वो बेचारे प्रॉब्लम में आ रहे हैं क्योंकि उनके जो किसमपुर में अधिकारी रहते हैं वो उनको चढ़ा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम आ जाओ, दूसरे आ रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो तो तुम्हारी नौकरी हम खत्म कर देंगे। इस तरीके का थ्रेटनिंग दिया जाता है पीतमपुर के मैनेजमेंट से। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।